दोस्तों आ गए हूँ आपके लिए अमेजिंग फोटो एडिटिंग वीडियो को लेकर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरह का कलर इफेक्ट आप अपनी फ़ोटो में किस तरह लगा सकते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए फ़ोटो पहले कैसी थी। तो फ़ोटो थी पहले ऐसी, जैसे ही मैंने इसमें प्रीसेट ऐड किया ये बन गई ऐसी। तो देख सकते दोनों फ़ोटो में कितना डिफरेंट है। आप भी अपनी फ़ोटो में इसी तरह का कलर इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, इसी तरह की फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें अपना प्रीसेट क्लिक करना है, जो आप लिंक से अभी डाउनलोड करेंगे आपको बताऊंगा बाद में वो प्रीसेट को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके बाद जैसे मैं प्रीसेट पर क्लिक करता हूँ और नीचे ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा प्रीसेट चल जाएगा हमारे ऑल फोटो के अंदर। हमें जाना है ऑल फोटो के अंदर और अपने प्रीसेट को करना है क्लिक। तो जैसे मैं प्रीसेट को क्लिक करता हूँ हमारे प्रीसेट हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद हमें प्रीसेट की करनी है कॉपी सेटिंग। कॉपी सेटिंग करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइड में दो ब्लैंक्स बॉक्स नज़र आएंगे, उन दोनों ब्लैंक्स बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसके राइट साइड में आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉप के ऑप्शन को हटाना, बैक एरो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे टिक के आइकन पे क्लिक करना है, तो हमारी प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक एरो पे क्लिक करना है, फिर नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ़ोटो ले लेनी है जिस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैंने अपनी यहाँ से एक फ़ोटो ले लिया, मैं फ़ोटो पे करता हूँ क्लिक और उसके बाद इस फ़ोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। प्रीसेट ऐड करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और नीचे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो हमारी फ़ोटो में प्रीसेट ऐड हो जाएगा। दोस्तों इतना करने के बाद आपको नीचे इधर कलर के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन दिख रहा है थर्ड नंबर पे, आपको थोड़ा इसको इंक्रीज करना है अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं अपनी फ़ोटो में थोड़ा वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेता हूँ तो हमारी फ़ोटो में थोड़ा कलर इफेक्ट अच्छा नज़र देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले और अब की फ़ोटो में बहुत ही डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह आप भी अपनी सभी फ़ोटो में इसी तरह का कलर इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अब इस प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीसेट लिंक पे क्लिक करना है और आप चले जाएंगे अपने गूगल ड्राइव के अंदर, वहाँ से इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको इस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करना है, नीचे सेव टू डिवाइस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आप भी अपनी फ़ोटो में इसी तरह का कलर इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह की नई नई फोटो एडिटिंग सीखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट फोटो एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।